जिसको हम बैप्टिज्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसको इनिशिएशन या दीक्षा भी कहा जाता है। जब भी साधक की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो गुरु उसको दीक्षा देता है, उसको बैप्टाइज करता है। और बैप्टिज्म तभी संभव है जब कोई मरने के लिए तैयार है, जो अपने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार है, जो अपने को एक नया जन्म देने के लिए तैयार है। इसलिए क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म प्रतीक है। जॉन द बैप्टिस्ट साधक को नदी पे लेकर जाते थे और उनका सर नदी में डुबोते थे, जो कि संकेत करता है कि जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ने के लिए नदी के साथ बहने के लिए तैयार होता है, तभी उसका बैप्टिज्म या कहीं इनिशिएशन कंप्लीट होता है। और एक बहुत ही सुंदर ढंग से साधक का समर्पण दिखाया गया कि अब अगर गुरु डुबोए तो वो डूबने के लिए तैयार है, और अगर वो उभारे तो वो उभरने के लिए तैयार है। इस प्रक्रिया में साधक का अतीत उस नदी में बह जाता है और एक नया व्यक्ति का जन्म होता है। और जब भी गुरु तुम्हें सत्य के जगत में लेकर जाता है तो वो साथ में तुम्हें मृत्यु के लिए भी तैयार करता है। और जब तुम उस गुरु की दी हुई मृत्यु को पूर्णता से स्वीकार करते हो, उस प्रकरण में तुम्हारे अहंकार की मृत्यु हो जाती है। वही असली बैप्टिज्म है, वही असली गुरु से मिलना है, वही असली गुरु से मिलने वाली दीक्षा है। वो दीक्षा जो सिर्फ ऊपर के कपड़े और नाम बदल लें उसमें व्यक्ति का अहंकार शेष रह जाता है। असली दीक्षा तुम्हें अज्ञात में ले जाती है, और जो अज्ञात है वो डराता है। गुरु की दीक्षा मृत्यु में प्रवेश है, उसी मृत्यु में जीने की कला छुपी है। जो अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही सही अर्थों में अपना जीवन जी पाता है। प्रणाम।